जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। नमस्कार, केपीटी भारत न्यूज चैनल आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि पांडे। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। कानपुर में संचालित मौत के अस्पतालों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कानपुर जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर कानपुर के कई मानक विहीन अस्पतालों को सील किया गया, जिससे अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर जांच कराई गई और जो अस्पताल मानक विहीन पाए गए उन पर कार्यवाही की गई है। उनका कहना था कि जिन अस्पतालों में कोई प्रकाशित डॉक्टर या नर्स नहीं थी, उन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा मामले कल्याणपुर क्षेत्र के थे, उसमें 4 अस्पतालों पर कार्यवाही की जा चुकी है। इसके साथ ही अगर कानपुर में कहीं अन्य अस्पताल की कोई सूचना मिलती है तो उस पर भी कार्यवाही होगी। देखिए, सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ जगहों पर बिना पंजीकृत, बिना प्रॉपरली जो डिग्री होल्डर वाले हॉस्पिटल्स कुछ संचालित हैं, जहां पर स्टाफ भी जो है वो प्रशिक्षित नहीं है उचित तरीके से। तो ऐसी जगहों पर हम लोगों ने एक सख्ती की है और जो मेडिकल टीम्स हैं, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, उसके द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। कल्याणपुर क्षेत्र के काफ़ी मामले सामने आए थे और इसमें अभी तक का जो आंकड़ा है वो 4 हॉस्पिटल्स पे कार्रवाइयों का आंकड़ा मुझे पता चला है। अन्य जगह भी इस पे हम लोगों ने निर्देश किए हैं कि इस तरह की अगर कहीं से सूचना मिलती है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्टनेस के मोड में काम करे और सभी ऐसी इकाइयों पर तत्परता से कार्रवाई करे।